जो रानी थी वो शादी तो उसकी गीता भगवान ने ही करवाई और साथ भी रहे और बहुत कम समय साथ रहे। उसके बाद वो अमेरिका चले गए और ज़्यादा नहीं रही, लेकिन उतने में भी उसने जो बातें सीखी, बोली हमको मालूम नहीं था कि ऐसे ब्रह्मज्ञानी क्या होता है, लेकिन जो भी थोड़ा समय उसके साथ रहे तो इतना अंदर से लगा कि ये कौन दुनिया में सहन करेगा कि हमारा आदमी हीरे का उसको चूड़ी लेके दे बहू समझ के और सब कुछ अपना त्याग करके दे, जो तुम्हारी मर्जी है तुम साड़ी पहन लो, जो तुम्हारी मर्जी है जेवर पहन लो, मतलब पूरा त्यागमय जीवन, और ये काम करती है या नहीं करती है उससे भी कोई मतलब नहीं, सारा काम खुद कर लिया, फिर निष्काम के लिए भी निकल गए और घर वालों से भी सबसे फिट, किसी से भी कुछ कहने की कोई बात सुनने की जैसे ज़रूरत ही नहीं होती थी। बोली उसी टाइम में बहुत वैल्यू थी हीरे की जैसे, तो एक चूड़ी उन्होंने दी, एक हमारे माँ बाप ने बनवा के दी, तो बोले खुद को उसको एक थी, मेरे को दो थी। तो कभी लगता है जेठानी को कि भाई उसको दो है हमको एक है, तो अगर एक उसको बनवा के देते हो तो पहले मेरे लिए भी एक बनवाओ, संसार में ऐसी बातें होती है। तो बोली हम बहुत हैरान होते थे, वो खुश होते थे, वो पहना के खुश होते थे, देके खुश होते थे, सिखा के खुश होते थे। तो ज्ञान जब जिसकी रहनी में है तो अज्ञानी को भी समझ में आ जाता है कि इसका जीवन कैसा है और कितने प्यार से, कितने नम्रता से और कितना जल्दी फटाफट काम करना, सफाई करना, ये करना, और फिर फ्री होके बैठती थी तो लगता ही नहीं था कि इसने काम भी किया, दूसरा काम करेगा तो वर्णन करेगा। तुम कोई भी काम करते हैं, इवन तुम किसी को प्यार करके कुछ गिफ्ट भी देते हैं तो तुमको याद रहता है, एक बार मैंने तुम्हें ये दिया, एक बार मैंने ये दिया, एक बार ये दिया। अब समझो तुमने किसी को चतलाया, तुम्हारे एक बर्थडे में मैंने ऐसा दिया, दूसरे में ऐसे दिया, तो जो अगला बेचारा होगा उसको क्या फील होगा कि हमने तुमको फलाने टाइम ये करके दिया, फलाने टाइम हमने तुम्हारा खाना बना के रखा, फलाने टाइम तुमको गर्म फुल्का बना के दिया। अगर समझो हम घर में कर भी रहे हैं काम, तो अपनी भक्ति है वो, कोई किसी के ऊपर एहसान तो नहीं है, लेकिन अगर तुम कोई भक्ति करके और जतलाते हैं किसी को तो ये तो और भी बुरा लगता है, अगला कहेगा तुम ना ही करते मेरे लिए, अगर तुमको जतलाना था तो हमने तुम्हारे से कुछ मांगा तो था नहीं कि हमें ये दो। तो निष्कामी का जीवन कैसे होता है, वो याद भी नहीं करता है करने के बाद, और सकामी का जीवन कैसा होता है, वो करता भी है और अंदर से कुलबुलाता भी है, याद भी करता है। तो कुछ भी ये जीवन में हो जाए, जैसे अपने शरीर को कितनी बार खिलाया, कितना पहनाया, कितना दिया, अच्छे से अच्छा भी अपने को देते, अच्छे से अच्छा अपने को खिलाते हैं, अच्छे से अच्छा अपने को पहनाते हैं, तो कभी हम दूसरे को भी पहना के इतना खुश हो जाएं। आज अपने बेटे को हर एक मानता है कि मेरा बेटा, पति 20 साल के बाद मिला शादी की 20-22 साल में, उसको भी मान लिया मेरा, उसमें भी ममता हो गई तुम्हारी, जड़ घर को भी मान लिया मेरा, शरीर को भी मेरा मान लिया, पर परमात्मा को मेरा मानने में बड़ी दिक्कत होती, उसको जल्दी से कोई नहीं मानता है कि मेरा है या गुरु मेरा है या परमात्मा मेरा है।
अगर वो किसी को थोड़ा सा और चाहेगा तो वहां भी जेलसी हो जाएगी। भले चाहे ना, मोहन तो है सबका प्यारा, और हमको अच्छा लगे कोई भी गुरु से क्लोज होता है, नजदीक आता है या गुरु की बात पर चलता है, गुरु उसको प्यार करता है, अपना बनाता है, तो हम लोग को भी खुशी होनी चाहिए। अंदर से जो जेलसी की भावना होती है वो नहीं होनी चाहिए। ज्ञानी के अंतःकरण में तो सबके लिए प्यार है, वो किसी को भी बुरी निगाह से नहीं देखता है, गिरी हुई निगाह से नहीं देखता है, हरेक के गुण उसको दिखाता है। जो उसमें गुण है उनको और भी उभारता है, उसकी प्रशंसा करता है, तुमको ये भी अच्छा आता है, तुमको ये भी अच्छा आता है। और संसार में लोग एक दूसरे को गिराते हैं, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमको ये नहीं आता है, तुमको ये नहीं आता है, और बोलते भी ज़्यादा है। जितना बोलोगे, जितनी सफाई पेश करोगे, उतने ही वो फिर अपनी सफाई पेश करेगा, तो घर में झगड़ा हो जाएगा। एक ने कोई बात कही, तुमने उसकी इसको सुना दी, भी तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे बोल रहे, तो उसका प्यार अगले के लिए कम होगा कि ज़्यादा होगा। और कभी नहीं भी होती है बात, तो अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए भी किसी की बुराई करके उसको बता दी, जैसे ये मेरे को समझे मैं कितनी इसकी तैशी हूँ, मैं इसको सब बात बता रही, तो तुम्हारा तो कर्म बना, तुमने तो गलत किया कि किसी ने अपना हमराज समझ के तुमसे बात की, कि तुम उसका राज रख सकते, पर तुमने उसका राज नहीं रखा, तुमने जाके उसको बता दिया कि फलाना तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो आपस में प्यार नहीं होगा और बल्कि कष्ट होगा, हर्ट होता है, दिल हर्ट होता है कि मैं जिसको प्यार करता हूँ मेरे लिए ऐसे ऐसे सोचता है। तो ये जो बीच वाली बातें होती है झगड़े की, लड़ाई की, ग्रस्त में यही बातें बहुत सबको तंग करती है। लड़कियां रहती है घर में, कुंवारी रहती हैं, भाभी की शिकायत उससे की, भाई से, भाई की करी उससे, उन दोनों के प्यार में बीच में हड्डी बन गया, या समझती अंदर ही अंदर में मेरा भाई तो बहुत अच्छा है, मेरी भाभी ने उसको खराब कर दिया। तो रिश्तों में बहुत दरारें आ जाती है, दूरियां आ जाती है, फासले बढ़ने लगते हैं, और फिर क्या रिजल्ट होता है कि कोई किसी को रखना नहीं चाहता है, फिर अलग अलग रहना पड़ता है, अकेले अकेले रहना पड़ता है, और अकेले रहने में अंदर से खुशी नहीं आती। प्यार में चाहे लड़ भी लो, पर बोलना बंद तो मत करो, कभी कभी लड़ाई हो भी जाती है या कहा सुनी हो गई, पर अंदर से कम चुप नहीं हो जाओ, बोलना बंद कर देते हो, रूठ जाते हो, चार दिन नहीं बोलेंगे, आठ दिन नहीं बोलेंगे, तो फिर क्या होता है, प्यार कम हो जाता है, और अगला भी अंदर ही अंदर दुखी रहता है, और तुम भी अंदर ही अंदर दुखी रहेंगे, तुमको भी खुशी नहीं आएगी। इधर से उधर बात करने वाला कभी सुखी होगा नहीं। अपनी महानता दिखाने के लिए, अपनी अपना बड़प्पन पाने के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करता है, लेकिन गीता भगवान की इतनी अच्छी रहनी थी, जो आज उसके सब घर वाले उनकी प्रशंसा करते, कम वक्त रहे, ज़्यादा टाइम भी साथ नहीं रहे, लेकिन फिर भी इतना प्यार बने रहना, और आज उसको भगवान करके मानना, देख रहे थे कितनी महिमा है गुरु की, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं, कोई एडवर्टीजमेंट भी हम लोगों की नहीं है, कोई टीवी पर भी नहीं, मूवी पर भी नहीं आते हैं, कोई मार्केट में हमारे कैसेट भी नहीं बिकते हैं, भजन का कैसेट है या इसका कैसेट है या उसका कैसेट है,
कोई पब्लिसिटी का तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी रैनी कितनी ऊंची थी। वो बोल रहा था देवर उनका कि जैसे कुछ उसके अंदर अलग ही चीज थी, नूर ही कुछ अलग था। बोला ऐसा नहीं कि हम लोगों को ऐसा लगता था, पर जो भी उसके साथ मिलता था उसको भी ऐसा ही लगता था कि ये संसार में कुछ अलग चीज़ है। कैसे इसको भगवान ने गढ़ा है और हर चीज़ कितनी अच्छी थी, चाहे सूरत भी, सीरत भी, गला भी, आवाज़ भी, प्यार करने का तरीका, ज्ञान देने का तरीका। ज्ञान देने में कभी एक गाली भी नहीं देते थे, कभी किसी से एक कड़वा शब्द भी नहीं बोलते थे, मुंह में मिठास। बोला ना, तुम मुंह में शुगर फैक्ट्री रखो और दिमाग को आइस फैक्ट्री ठंडा। अगर आइस फैक्ट्री नहीं बनाओगे, गर्म दिमाग रहेगा तो मिजाज गर्म रहेगा, जहाँ जाओगे वहीं झगड़ा करना शुरू करोगे। दिल में प्रेम रखो सबके, तो मुख भी तुम्हारा मीठा होगा। नहीं मिठाई खिलाओ किसी को, पर बोलो तो मीठा ना, मिठास हो तुम्हारे बोलने में, और तुम्हारे बोलने से कोई सीखे, कोई गिरे नहीं कि देखो हमने ऐसे कहा वो अपनी आत्मकोन्नति से और गिर गया, बल्कि हमारे दो शब्द बोलने से वो और चढ़े। खाली चलते चलते जिठानी की लड़कियां एम्ब्रॉयडरी कर रही थी, सिलाई, अरे तुमने किया है, कितनी अच्छी करी है, ऐसी तो मेरे को भी नहीं आती है। तुमने सिलाई की है कितने दिन में से, आधे घंटे में, अरे तुम तो बहुत फास्ट है। पर इतना ही बोल देते, ज़्यादा भी नहीं बोला, तो वो कितना खुश हो गया। अगले को खुशी मिले हमारे मुख से ऐसे शब्द निकले। वचन संभारे बोलिए, वचन के हाथ न पाऊं। एक वचन औषध करे एक करेगा घाव, एक घाव बना देता है शब्द। लोग उस शब्द को कुरेदते हैं, जो किसी को मरम तो नहीं लगाते, बल्कि और भी उसकी बातों को खोल खोल के, तो अगला इंसान रोता है कि देखो इन्होंने कभी मेरे जख्म पर मरहम नहीं लगाई, उल्टा आकर के कुरेदा, तुम ऐसी है, तुम ऐसी है, तुम ज्ञान के हिसाब से नहीं चलती है, तुम फलाना काम ऐसे क्यों करती है। सत्संग में भी, जो सत्संग करने वाले भी कभी कभी जिज्ञासु से ऐसे शब्दों से बात करते हैं, तो वो समझते हैं हम जैसे इसके मास्टर हो गए और हमको इसको सिखाना है, जबकि सारी जिंदगी हम ही को सीखना है। ये बात अगर हम सोच के चले, हम किसी को सिखाने नहीं आए हैं, प्रीच करने नहीं आए हैं, लेक्चर देने नहीं आए हैं, किसी के सुधारक बन के नहीं आए हैं दुनिया में। सुधारना तो सिर्फ अपने को ही है, और अगला अगर कुछ उठा ले रहा है तो अच्छा है, वो कुछ सीख रहा है, ये उसकी अपने ऊपर कृपा है। गुरु तो हमेशा यही कहता है कि तुम्हारी कृपा की ज़रूरत है, लेकिन भक्त कहता है नहीं, भगवान आपकी कृपा है। तो वो भले कहे कि आपकी कृपा है, लेकिन उसमें भी तुम अहंकार में नहीं फूल जाओ कि हाँ मैंने इसके ऊपर कृपा करके देखो इसको क्या बना दिया, मैंने बनाया इसको, मैंने इसके साथ मेहनत की है, मैंने इसके साथ ऐसा किया है, मैं गर्मी में गई, मैं धूप में गई, मैं बारिश में गई, अरे तो तुमने कोई एहसान कर दिया क्या, इसमें तुम्हारी उन्नति हुई होगी, तुम गई भी तो अच्छा है, तुम्हारी प्रोग्रेस हुई होगी। तो एक दूसरे के लिए जैसे जड़ काटना, ये एक आश्री संपदा का लक्षण है, कोई दैवी संपदा के गुण नहीं है कि हम एक दूसरे को टांट कसते रहे, बोलते रहे, या समझो किसी का कोई डिसाइपल उसे नहीं समझ पाया फिर तुम्हारे पास आ गया तो तुमने 10 उसकी और बुराइयां भर के उसको उसके खिलाफ कर दिया। तो ये सब बातें सत्संग के बीच में बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। कोई कहाँ भी जा रहा है, कहाँ भी प्यार कर रहा है, कहाँ भी सुन रहा है, एक गुरु का ही तो सुन रहा है, उसमें तुम्हें दिक्कत क्या है। और अगर किसी का किसी से प्यार है तो प्यार में ही कोई आगे बढ़ेगा, बिना प्यार के तो कोई बढ़ेगा भी नहीं। आज जो भी सत्संग में आए हैं सबको मालूम है
कि गुरु की निगाह पड़ती है, गुरु इतना हमको उठाता है, इतना अपने साथ रहता है, घुमाता है, उसको हमसे चाहिए क्या? मनी चाहिए, पैसा चाहिए, कोई हमको टीचर बन के हमारे से कोई तनख्वाह लेता है क्या? गुरु कुछ सिखाने का हमसे कोई पैसा लेता है? अभी तो एक एक हफ्ता कोर्स सिखाते हैं तो उसका भी पैसा ले लेते हैं, योगा सिखाने वाले भी पैसा लेते हैं, तो सत्संग करने वाले भी पैसा लेते हैं, पर इधर तो हम लोगों ने कभी कुछ दिया नहीं गुरु को। कोई पाई, कोई पैसा, कोई लेना, कोई देना, उसको हमसे चाहिए भी नहीं, उसके अंदर कोई इस चीज़ की भूख नहीं है, उसके अंदर तो पार ब्रह्म की भूख है, सत्य की भूख, पार ब्रह्म की। जिस मन भूख तिसको कभी न लागे दुख, जिसको ये भूख लगी, जिसको ये चीज़ इसका शौक लगा, आज ये शौक हमको कहाँ पहुँचाता है और दुनिया का शौक कहाँ पहुँचाता है? आज दुनिया वालों के पास दौलत बहुत है, लेकिन दौलत के साथ साथ झंझट भी बहुत है। जितने दौलत वाले मिलते हैं हमको, बोलते हैं इतनी मुसीबत लगी पड़ी है, अगर मान लो हम कहीं फ्लैट खरीदने जा रहे हैं और वो मार्केट वाले ढूंढते रहते हैं कि खरीद रहा है अगर 25 लाख का, 30 लाख का, तो इसके पास पैसा होगा, 50 लाख का फ्लैट खरीद रहा है, तो वो उसको मकान लेने से पहले ही चिट्ठी भेज देता है, इतने लाख पहले मेरे पास भेजो, 2 लाख भेजो, 3 लाख भेजो, चलो उतने में भी छुटकारा कर दे, नहीं करते। उसके बाद बोलते हैं फिर हर महीने महीना भी बांधो हमारा, तुम्हारी इतनी कमाई है तो हमको इसमें से दो। अलग शिकायतें चली जाती है, इनके पास ब्लैक मनी है, इनके पास फैक्ट्री है, इनके पास ये है, रेट पड़ जाती है, तो अमीर आदमी कहाँ सुखी है, कहाँ उसको खुशी आती? पैसा तो बहुत उसने जोड़ लिया, पैसे के लिए मेहनत भी की, थोड़ा झूठ सच भी किया, ऐसे तो कोई बहुत ज़्यादा अमीर बन नहीं पाता है, और उसके बाद उसका सुख ही नहीं ले पाते। उनके घरों का सुख हम लेके आते हैं, बल्कि वो अपने घर का सुख नहीं लेते, हम उसकी एसी में सो के आते हैं। उनको इतनी चिंताएं, ड्रिंक करके अपने को ही मारते रहते, अपना ही सिर फोड़ते रहते हैं, फिर देखो भाई पट्टी बंदी पड़ी है, खून निकल आया उसके सर से। तो देखते हम शराब पीते हैं, रस्ते में गिरते हैं, क्योंकि अंदर टेंशन बहुत है, कहीं इनकम टैक्स का, कहीं सेल टैक्स का, कहीं कोई पैसा खा गया, कहीं कोई वापस नहीं दे रहा, कोई सामान ले गया, फिर गुंडे भेज दिए। आजकल तो इतनी ये सब कहानियां चल रही है दुनिया में, तो अमीर से तो फिर भी गरीब खुश है, फिर भी वो कम से कम नमक आटा रोटी खा के फुटपाथ पर नींद तो कर रहा है, उसको नींद तो आ जाती है, और उन गदेलों पर भी उनको नींद नहीं आती। फिर ये माया किस लिए जोड़ते, किस लिए इसकी पढ़ाई इतनी करो, फिर ये धन जुड़े, फिर ये धन जुड़े तो फिर इसका वारिस हो कोई, तो फिर एक बेटा भी पैदा करो, फिर उसकी भी संभाल करो, फिर वो अगर कोई अब नॉर्मल निकल गया तो और मुसीबत, जिंदगी भर उसको झेलो बैठ के। तो इस लाइन में क्या है, उस लाइन में क्या है, कभी सोच के देखो। आज जिस राह पर हमको गुरु ने चलाया, उस राह पर हम सचमुच बादशाह बनते, बादशाहों की तरह रहते, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि मेरे को लड़की की शादी करानी है तो 50 लाख इकट्ठा करना है, लड़के को एक कमाई नहीं हो रही है तो हमको उसको, कितनी चिंताओं से एक गृहस्थी आदमी के पास हम जब अंदरूनी जाके रहते हैं, देखते हैं, तो कितनी उनके पास ब्रह्म कहाँ से समझ में आए, आत्मा कहाँ से, जब अंदर इतना कचरा भरा पड़ा है, मैं और मेरा और धन और लालच और लोभ, और कितना कमाने के बाद भी खर्चने का कहीं मन नहीं करता, 4 पैसे भी खर्च करेंगे तो सोच सोच के करेंगे, किसी को गिफ्ट देनी होगी तो सोच सोच के देंगे, दिखने में बढ़िया आए, दिखने में अच्छी आए, पैसा उसमें कम खर्चा हो, तो दिन भर तो तुम्हारा मन दूसरे में, सारा दिन तो तुम दूसरे के विषय में सोचता रहता है, और जब तक तुम दूसरे के विषय में सोचेगा तब तक तुमको शांति आ ही नहीं सकती। अदर इज हेल, नरक है,
तुम्हारा विचार या बेटे का या बेटी का या पति का या शरीर का। ये शरीर भी बहुत परेशान करता है। अब कितनी बार जन्मे हो, कितनी बार मरे हो, कितनी बार तुमने देह धारण की है, अभी भी इसी से मोह क्या करते हो? मरती तो आई है, देख रहे हो सभी की एक दिन शमशान में जा रही है, फिर इसके ऊपर क्या इतना बावर करते, इतना अभिमान करते, हम बहुत अच्छे हैं, हम बड़े सुंदर हैं, हमारी काया ऐसी है, हमारा वो ऐसा। तो ये सब तो खत्म होने वाला है, जो ऊपर का ग्लैमर है ये तो एक दिन जाने ही वाला है। तो इकट्ठा कर क्या रहे हम? जो इकट्ठा कर रहे हैं उसमें हमको सुख कहाँ मिलेगा? मिलेगा क्या सुख? और उल्टा दुख है, संभालना पड़ेगा, उसका सिर दर्द होगा, रोज गिरते ही जाएंगे, गिरते ही जाएंगे। क्रोध, ईर्ष्या, ये सब अंदर तुम्हारे बिल्कुल हॉट फैक्ट्री लगी पड़ी है, जलन, अंगीठी जल रही है पूरी, क्रोध की अंगीठी, द्वेष की अंगीठी, जलन, कुड़न। फिर उससे क्या है, उससे तुम्हारे अंदर बॉडी का हर अंग डैमेज हो जाता है, हर चीज डैमेज हो जाती है। तुम्हारे लंग्स नहीं काम करेंगे, तुम्हारा हार्ट नहीं काम करेगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, अंतरियां जल जाएगी, लिवर पर, अभी किसी ने बताया लिवर के ऊपर दो ट्यूमर हो। अब ये सब क्यों होते हैं? बीमारियों में भी मोस्टली क्या कारण है? अधिकतर तुम्हारी गलतियां, ज्यादा सोचना, ज्यादा चिंता करना, राग द्वेष करना, गलत खाना, गलत सोना, गलत तरीके से विचार किसी के लिए गलत रखना। लोग बताते हैं दिमाग चलता ही रहता है पूरा टाइम, टेंशन ही रहता है, डर ही रहता है, आदमी मर ना जाए, उसको बोल दिया है डॉक्टर ने, तुम्हारे सब अंग बेकार हो चुके हैं, अंदर कोई भी किसी समय पार्ट डैमेज होगा तो तुम खत्म हो जाए। ऐसी ऐसी हालतें, किसी के घर गए, दोनों उसकी किडनी फेल हो गई, अभी वो उस पर रहता है डायलिसिस पर, आजकल अंदर ही अंदर डायलिसिस होती है, कुछ ऐसी साइंस की तरक्की है, घर में ही। वो कहता है हॉस्पिटल में मैं नहीं रहना चाहता, मरीजों की शक्लें देख देख के उलझन होने लगती है। तो घर में ही चार बार या पांच बार वो डायलिसिस खुद करता है, एक नर्स आती है, 1,00,000 रुपया एक दिन का खर्चा है। इतने इतनी ये सब बीमारियां काय के लिए होती है? दादा ने बोला 98% यू आर मेंटल, 2% फिजिकल, 2% बीमारी तो तुम्हारे शरीर पर आती है, पर 98% तुम्हारा दिमाग जो है वो खुराफाती है, वो झूठ का सच, सच का झूठ, एक ही बात को लिंगर ऑन बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। भाई खत्म करो ना बात को, आखिर तो खत्म करनी, एक दिन तो शरीर ही खत्म हो जाए, खत्म करना ना, मैं तो पूरा क्लियर करके ही खत्म करूंगा, पूरा समझ के। ऐसे कितने आपसी झगड़े, आपसी बातें, तनाव है, सारी सारी दुनिया को हम भी जांच के देखते हैं कि सब सारी दुनिया में टेंशन भरा पड़ा है, एक पॉल्यूशन, एक टेंशन, ये शनशन की बीमारियां बहुत हैं, सबके अंदर किसी न किसी तरह का सोच विचार, सारा दिन सोचते रहेंगे, फलाना बीमार है, फलाना मर न जाए, फलाना क्यों मर गया, फिर अकेले कैसे रहेंगे, फिर जिंदगी कैसे कटेगी। तो हम तुमको बोलते हैं पहले ही भगवान का आश्रय ले लो, सबसे अच्छा उसी का आश्रय। आज हमको कभी जिंदगी में ये विचार आ सकता है, हमको अकेले, हम कैसे रहेंगे, कौन मेरे साथ रहेगा, कौन मेरी सेवा करेगा? अभी सगे बेटे ही नहीं करते, जिनको पाल पोस के इतना बड़ा किया, दो दिन में बीवियां आती हैं तो मंत्र फेर देती है उनके ऊपर, ऐसे उल्ट पुल्ट बातें करने लगती है, फिर लड़के को गुस्सा आया, उसने बोला मेरी माँ के लिए ऐसे मत बोलो, कहती है तुम मेरे माँ के लिए ऐसे मत। अब माँ अपने घर सुखी, वो माँ उधर बैठी, आपस में दोनों लड़े, तू मेरी माँ के लिए बोलता है, तू मेरी माँ के लिए। अब माँ हुई कि बीच में, अब माँ जो है वो कहती है बेटा मेरा, अब उसकी शादी करा के आ सकती, 20 साल उसने पाला, 25 साल उसको गोद में ऐसे उठाया, खिलाया पिलाया रहाया, और आज उसको छोड़ना पड़ता है। बीवी कहेगी इसके साथ अगर बात करते हो तो फिर मैं छोड़ के जाती, फिर कलेश घर में, कलेश से तो और कोई डरता है। फिर माँ बाप ही खुद ही कहते हैं अच्छा बाबा
जाके अपना कोई किराए का ही घर ले लो, या तुम्हारा जितना हिस्सा बनता है हम ही तुमको फ्लैट लेके देते हैं, जाके अलग रहो, सुखी रहो। तो बुढ़ापे में तो एक दूसरे की सेवा के लिए भी शरीर नहीं बचता है। वो जो डायलिसिस वाला था, वो उसकी बीवी भी उम्र के हिसाब से तो भाई वो भी ऐसा शरीर हो गया। बोले एक दिन मैं भी गिर गई और वो भी मेरे को न उठा सके, एक दिन वो गिर गया तो मैं न उठा सकूँ, और आसपास कोई नौकर भी नहीं, माई भी नहीं, रात का टाइम। बोले ऐसे बस देखते रहे कि लाचार, वो हमको देख रहा है, हम उसको देख रहे हैं, न वो उठा पा रहा है, बुढ़ापा ऐसा है। और ऐसे लड़की भी है, लड़का भी है, दोनों फॉरेन शादी करके चले गए, वो कब तक रहेंगे, सबका अपना अपना काम। तो अकेला पति पत्नी बचे, अब उसमें भी समझो एक चला जाएगा तो फिर एक बचा, फिर वो एक अकेली माई क्या करेगी घर में, इतने बड़े 4-5 कमरे हैं, इतना डेकोरेशन है, इतना सब कुछ है, पर क्या वो सब उसको सुख देगा। और ज्ञान भी है तो अकेलापन बहुत तंग करता है, या तो ऐसी महफिल जिसको बनाने आ जाए, और नहीं बनाएगा तो वो अकेला रोज सत्संग करने भी उसके घर पहुंच जाएगा। सत्संग में तो इतने प्रेमी आते हैं, कोई घर में अट नहीं सकते, अधिक में अधिक शाम को कोई एक व्यक्ति चला जाए, थोड़े लोग चले जाए सत्संग करें, पर दिन भर वो क्या करे, दिन भर उसके पास कोई मनोरंजन का साधन नहीं, टीवी भी कितनी देखेंगे, फिर धीरे धीरे नजर भी कम बुढ़ापे में, काम भी बहरे, पूरा टीवी भी नहीं समझ में आती, खाली दृश्य चलते रहते हैं, वो कहती है सुनाई तो पड़ता ही नहीं, समझ में तो आता नहीं। तो कौन सा सुख उसको लास्ट तक सुख दे, एवर लास्टिंग हैप्पीनेस कहाँ पर है, खाली ये विचार करके देखो, लास्ट में जाकर के अपना आत्म धन ही काम में आता है, और चाहे तुम्हारे पास कितना भी धन है तो भी तू गरीब है, पर वो धन नहीं भी है पर ये धन है तो तुम शहंशाह, शाहों की तरह चलेगा, राजाओं की तरह चलेगा, और वो धन होते हुए भी तुम कंगाल है, क्योंकि तुम्हारा धन की या तुम्हारा मन किसी न किसी का आधार लेके बैठे, और जो भी आधार है संसार के वो सब आधार टूटने वाले हैं, बिछड़ने वाले हैं, जाने वाले हैं, मरने वाले, गलने वाले, ये वैराग्य तुमको धारण करना पड़ेगा। और अगर अभी भी तुम सुख बुद्धि संसार में रख के बैठे हो तो सुख नहीं मिलने वाला, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, शादी हुई, ढोल बजा, नाच गाना हुआ, ये हुआ, शादी हो गई, आया भगवान गर्भ में, फिर बेड रेस्ट करो, फिर उठो नहीं, फिर चलो नहीं, फिर वो पैदा हो गया, फिर उसको उल्टी होती है, फिर उसको पेट में दर्द होता है, फिर उसको, अरे क्या मुसीबत है, कोई संसार है, वो में अंधे तो